एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दिवाली बहुत ही नजदीक है, आप सबकी तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही होंगी, जैसे कि मेरी जोरों शोरों से चल रही हैं। लाइक यू नो, क्रैकर्स, दिए, लाइटिंग्स, तरह तरह के नाश्ते, और ये सब के बीच हम सब दिवाली पे बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, मेकअप करते हैं, मेकअप का सामान खरीदते हैं। लेकिन अगर हमारे स्किन पे ही चमक ना हो ना, तो फिर मज़ा नहीं आता यार। मेकअप करके भी थोड़ा सा जो एक मज़ा है वो अधूरा सा रह जाता है। अगर स्किन पे चमक नहीं है, स्किन हेल्दी नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा मेकअप करो, मज़ा नहीं आता है। तो जब भी कोई ऐसे ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि दिवाली है या कुछ भी है, तो हम कहाँ जाते हैं? सैलून में जाते हैं फेशियल कराने के लिए, जिससे कि हमारे स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो, अच्छी सी चमक आ जाए, हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। फेशियल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप सबको पता होगा कि फेशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फेशियल कराने से हमारी स्किन थोड़ी सी टाइटन होती है, ब्राइटन होती है, हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं, और हम ज़्यादा यंग दिखते हैं, और एक स्किन पर अलग सा ग्लो आ जाता है लाइक नेवर बिफोर। तो मज़ा आ जाता है फिर जब हम तैयार होते हैं, जब हमारी स्किन अच्छे से ग्लो कर जाती है, पैम्पर हो जाती है, तो उसके ऊपर मेकअप भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम लोग फेशियल्स करवाते हैं। अब आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि कोई भी ऐसे सैलून में जाके फेशियल नहीं कराना चाहता, सब लोग थोड़ा सा डरते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रही हूं, ऐसा फेशियल बताने जा रही हूं विच आई यूज्ड इट एंड आई लव्ड इट। हाँ, मैंने यूज किया, मुझे पसंद आया। जस्ट अभी मैं वो फेशियल करके बैठी हूं, और जिस तरह से किया है राइट नाउ, थोड़ी देर के बाद आपको स्क्रीन पे ही फ्लैश करके शो करने वाली हूं। अभी फेशियल करके निपटी हूं, आप ग्लो देख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूं, सुंदर सा निखार आ गया मेरी स्किन पे। जस्ट मैं अभी ये वाला फेशियल करके बैठी हूं जो मैं आपको बताने जा रही हूं। तो घर बैठे आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये वाला फेशियल कर सकते हो। ना आपको बाहर जाने की टेंशन, ना आपको ऐसा लगेगा कि आप अनसेफ हो बाहर जाके, घर बैठे बैठे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप इस तरह का ग्लो इजीली पा सकते हो। और प्राइस की बात करूंगी तो आप सब चौंक जाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, अगेन कुछ दिन पहले भी मैंने पॉन्ड्स का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, आपने बहुत पसंद किया था। तो पॉन्ड्स एक ऐसा ब्रांड है जो पर्सनली आई लव, यू नो, बचपन से मैंने सुना है और बचपन से मैंने यूज किया है, और आई थिंक आप में से बहुत सारी लेडीज ने बचपन से पॉन्ड्स का नाम सुना भी होगा, यूज भी किया होगा इनकी क्रीम्स को। मैं भी यूज करती चली आ रही हूँ। तो सो पर्सनली पॉन्ड्स इज माय फेवरेट ब्रांड, और मुझे इनकी सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रही हूँ, एक फेशियल की बात कर रही हूँ जो कि न्यूली लॉन्च है, और पॉन्ड्स की तरफ से न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट कह सकती हूँ मैं। तो ये फेशियल बहुत ही जबरदस्त है, जिसको करके इतना प्यारा वाला ग्लो आ गया है। आई एम जस्ट लविंग इट यार। जस्ट अभी मैंने करके फिनिश किया है, अब मैं आपको शो करूंगी मैंने किस तरह से किया है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ये वाले फेशियल की, ये है पॉन्ड्स का चारकोल एंटी पोल्यूशन फेशियल किट, हेल्प्स रिमूव डलनेस एंड पोल्यूशन टू अनकवर फेयरनेस, फॉर्मुलेटेड बाय द पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट। पॉन्ड्स कंपनी का है और अभी न्यूली लॉन्च है होम फेशियल किट। आप घर पे बैठे इससे फेशियल कर सकते हो, और ये आपको बहुत ही एक अलग सा निखार दे देगा जो आप मेरी स्किन पे देख भी सकते हो राइट नाउ। बहुत ही सुंदर सा निखार आ जाएगा, घर बैठे आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बता दूं इस फेशियल की, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। ट्यूब फॉर्म में है, 6 स्टेप फेशियल है ये, इसमें 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में सब कुछ अभी करके दिखाती हूँ। तो ये इस तरह के कुछ ट्यूब्स में आती है, नॉट लाइक यू नो अदर फेशियल्स जो कि सैशे में आते हैं और स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके 3 फेशियल्स हो जाएंगे इस एक ट्यूब में, कम से कम 3 तो हो ही जाएंगे। तो 3 फेशियल आपको मिल रहे हैं। प्राइस की बात करूं, वेरी मच अफोर्डेबल प्राइस है, 300 रुपीज। ओ माई गॉड, यानी कि आपको एक फेशियल पड़ा 100 रुपए का, और इस ज्यादा आपको क्या चाहिए, और इस टाइप का आपको निखार मिलेगा जैसे मेरी स्किन पे आप देख सकते हो। इनका जो मसाज क्रीम है, आई जस्ट लव्ड इट। इसमें आपको मिलेगा 6 स्टेप्स फेशियल, सबसे पहला है फेस वॉश, सेकेंड है स्क्रब, थर्ड है नरिशिंग क्रीम, फोर्थ है मसाज क्रीम, फिफ्थ है इनका मास्क, और 6th है फिनिशिंग क्रीम, फिनिशिंग मॉइस्चराइजर, जिसके साथ आप फेशियल को फिनिश करोगे। 6 के 6 स्टेप्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, और रिजल्ट आर अमेजिंग। एकदम से ऐसा निखार आ गया, जब अभी फेशियल करके मैं अपने हस्बैंड के पास गई तो कह रहे थे ओ माई गॉड, एकदम से स्किन चेंज लग रही है, जो कि सीरियसली मुझे चेंज लग रही है। मेरे स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं है गाइज, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में फिनिशिंग क्रीम के साथ मैंने फेशियल को फिनिश किया है। इनके मास्क की बात करूं तो
दैट इज अमेजिंग. चारकोल मास्क है तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, बहुत अच्छा लगा इसको करने के बाद. बहुत ही अच्छा फेशियल है, आपको मिलता है सिर्फ 300 रुपीज में, जो कि आपके स्किन की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा एज वेल एज आपको देगा एकदम ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन. और ये 6 स्टेप्स है जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बहुत कन्वीनियंट है यूज करना. बिल्कुल अपना ऑनेस्ट वाला रिव्यू दूंगी मैं इसके लिए जो कि मैंने अभी अभी फील किया इसको करने के बाद. ये फेशियल ऑल स्किन टाइप सुटेबल है और इस टाइप की कुछ पैकेजिंग में आता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फेशियल करना. तो सबसे पहला स्टेप है पॉन्ड्स एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश विद एक्टिवेटेड कार्बन. दिस फॉर्मूला रिमूव्स द इम्प्योरिटीज एंड पॉल्यूशन पार्टिकल्स. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके चेहरे को गीला कर लेना है. वेट योर फेस, क्रिएट लादर, जेंटली मसाज ऑन टू फेस एंड नेक एंड देन रिंस ऑफ. यानी कि आपको चेहरा गीला करके पहले मसाज करना है हल्के हाथों से, और इसके बाद जब बहुत सारा झाग आ जाएगा ना, इसके बाद आपको चेहरे को वॉश ऑफ कर देना है विद प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत सारे पानी से वॉश कर देना है. आप देखेंगे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर लगेगी और जितनी भी गंदगी होगी वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी. तो चलिए लेट्स गो टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज पॉन्ड्स पॉल्यूशन ऑफ स्क्रब एनरिच्ड विद वॉलनट शेल पाउडर. इट हेल्प्स एक्सफोलिएट डेड सेल एंड रिमूव्स एक्सेस ऑयल. यानी कि आपकी स्किन को ये एक्सफोलिएट करेगा. आपको क्या करना है, अप्लाई द स्क्रब ऑल ओवर द फेस, मसाज जेंटली इन सर्कुलर मूवमेंट्स फॉर 5 to 7 मिनट्स एंड उसके बाद आपको वॉश ऑफ कर देना है पानी से, या फिर आप वाइप ऑफ कर सकते हो विद मॉइस्ट कॉटन आफ्टर. तो इस तरह से जब आप स्क्रब करेंगे ना, तो जो भी डेड सेल्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे और आपको मिलेगी एक बहुत ही क्लियरर एंड फेयरर स्किन. तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे सर्कुलर मूवमेंट्स में मसाज करते हुए, तो अब मैं फेस को वॉश ऑफ कर लूँगी पानी से. आप चाहें तो मॉइस्ट कॉटन से भी साफ कर सकते हैं और आप देखेंगे स्किन काफ़ी ज़्यादा एकदम से निखरी हुई लगेगी, क्योंकि जितने भी डेड सेल्स होंगे और काफ़ी हद तक ब्लैक हेड भी रिमूव कर देता है, तो बहुत ही अच्छा सा ग्लो दिखाई देगा. चलिए फिर चलते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है पॉन्ड्स रिवाइटलाइजिंग क्रीम विद विटामिन B3 एंड विटामिन ई. इट हाइड्रेट्स योर स्किन, जिस वजह से आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग दिखाई देगी. तो आपको क्या करना है, मसाज द नरिशिंग क्रीम जेंटली विद फिंगर टिप्स टिल इट गेट एब्जॉर्ब्स. यानी कि आपकी स्किन में जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक आपको हल्के हाथों से बस मसाज करना है. तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करेगी और आप देखेंगे कि आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा चमक आ गई है. सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेप तक ही काफ़ी चमक आ जाएगी आपकी स्किन पे. आप देख सकते हो विजिबली फ़र्क मेरी स्किन में. तो यहाँ पे थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है. लेट्स गो टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज़ पॉन्ड्स डीप मसाज क्रीम. ये है ग्लिसरीन के साथ और इसके अंदर है ओट एक्सट्रैक्ट. इट मॉइस्चराइजेस योर स्किन टू गिव यू अ हेल्दी ग्लो. आपको सबको पता होगा ग्लिसरीन काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए और बहुत ज़्यादा नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग भी होता है. तो आपको क्या करना है, मसाज द क्रीम ऑन योर फेस एंड नेक इन लाइट सर्कुलर अपवर्ड स्ट्रोक्स फॉर 10 to 15 मिनट्स. यानी कि आपको 10 से 15 मिनट तक अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज करना है. इसके बाद जब आपकी मसाज कंप्लीट हो जाएगी, 10 to 15 मिनट्स हो जाएंगे, तो आपको पानी से या तो वॉश ऑफ कर देना है या फिर वाइप ऑफ कर देना है विद मॉइस्ट कॉटन. तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं मसाज करते जा रही हूँ, 10 to 15 मिनट्स टोटल मैंने कंप्लीट मसाज किया था, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्किन पे ग्लो दिखाई देने लग जाएगा. जो कि जब मैंने स्टार्ट किया था फेशियल, तब बिल्कुल भी ग्लो नहीं था. आप यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ग्लो आ गया, एकदम से स्किन में एक ऐसा हेल्दी ग्लो नज़र आ रहा है. स्किन काफ़ी चमक आ गई है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से गाल थोड़े से पिंक भी दिखाई दे रहे हैं. तो बहुत ही बढ़िया क्रीम लगी मुझे ये. आई जस्ट लव दिस मसाज क्रीम, बहुत ही फेवरेट हो गई अब मेरी. और इसके बाद मैंने एक मॉइस्ट टॉवल से साफ कर लिया फेस को. चलिए अब चलते हैं 5वें स्टेप पे, जो कि है पॉन्ड्स चारकोल पील ऑफ मास्क एनरिच्ड विद बैम्बू चारकोल. इट हेल्प रिमूव ब्लैक हेड्स टू ब्राइटन योर स्किन. तो आपको क्या करना है, अप्लाई कर लेना है मास्क को एकदम इवन लेयर में ऑल ओवर योर फेस एंड नेक, अवॉइडिंग योर आई एरिया. आपको 10-15 मिनट्स के लिए रखना है और जब ये सूख जाए ना, सूखने तक आपको राह देखनी है, वेट करना है. बस इसके बाद आपको धो देना है या मॉइस्ट कॉटन से अगेन इसको साफ कर देना है. तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा हेल्दी सा ग्लो आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारा फेशियल एक्चुअली कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि अभी 6 स्टेप बाकी है. तो चलिए 6 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है पॉन्ड्स पॉल्यूशन प्रोटेक्ट क्रीम. तो ये क्या करती है, इट हेल्प्स प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड रीस्टोर योर ग्लो. आपकी स्किन को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करेगी और आपको एक ग्लो देगी. आपको क्या करना है, क्रीम लेना है फिंगर टिप्स पे, जेंटली अप्लाई करना है ऑल ओवर योर फेस एंड नेक एंड दैट्स इट. फेशियल के स्टेप्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पे. इससे हमारे स्किन को क्या फ़ायदे मिलते हैं, आपकी स्किन में कसाव आता है,
आपकी स्किन जो है टाइटन होती है, ब्राइटन होती है. साथ ही साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यू नो एटमॉस्फेयर की वजह से स्किन में डलनेस हो जाती है, पोल्यूशन की वजह से, या जैसे भी हम यू नो इतनी केयर नहीं कर पाते डे टू डे लाइफ में स्किन की, तो जो भी हमारे स्किन में नुकसान होता है वो सबको रिपेयर करता है एज वेल एज एक अलग सा ग्लो और निखार देता है. ये फायदा करता है फेशियल. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रेकमेंड करूंगी कि कम से कम महीने में एक या दो बार तो आपको फेशियल करना ही चाहिए अगर आपको फ्लॉलेस और एकदम बढ़िया वाली स्किन चाहिए तो. क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इट फाइट्स रेगुलर स्किन केयर प्रॉब्लम्स, गिव यू स्पॉटलेस एंड ब्राइट स्किन, रिमूव इम्प्योरिटीज, सन टैन, हाइड्रेट्स एंड टाइटन योर स्किन, रिवर्सेस इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन एंड प्रोवाइड यू क्लियरर स्किन. या इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. मैं बोलूंगी कि इतना पॉकेट फ्रेंडली फेशियल आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसके इतने जबरदस्त वाले रिजल्ट्स हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं जो कि मैं फील कर रही हूँ. दिस इज द ओनली रीजन वाई आई लव दिस फेशियल. इसका फेवरेट मैं स्टेप आपको बोलूँ ना तो सारे स्टेप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, पर स्पेशली इनका मसाज क्रीम एंड इनका जो मास्क है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया. लेकिन बाकी सारे स्टेप्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है. तो मैं आपको बोलूंगी कि आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ, अमेजोन का लिंक है, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पहुंच जाएंगे प्रोडक्ट पे और वहां से आप बाय कर सकते हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना फर्क आया. ये है बिफोर, मैं कुछ ऐसे लग रही थी, और इसके बाद आप यहां पे देख लीजिए, आप देख सकते हैं काफी क्लियरर लग रही है स्किन, ब्राइटर लग रही है पहले से, कंपैरिजन में ग्लो भी आ गया है. तो बहुत ही अच्छा फील कर रही हूं मैं ये करने के बाद. तो ये दिवाली आप घर बैठे आपके स्किन को इस तरह से पैम्पर कर सकते हो जिस तरह से मैंने पैम्पर किया, और एक ब्राइटर और ग्लोइंग लुकिंग स्किन मेरा दिखाई दे रहा है. आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो. अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आपको क्या करना है, हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल अपलोड अ वीडियो लाइक दिस. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी अपनी केयर कीजिए, एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली.